इस बात का रोना गया कि आज कोई हमारे पास नहीं आया, ये बेचारे हमारे लिए आए हैं, हैं हमारी मदद के लिए, ये पहले शख्स हैं जो हमारे लिए आए हैं, इसलिए हमें रोना गया। अच्छा, उनके लिए क्या कहें, हम तो उनके लिए ही कहेंगे भाई जो वीडियो देखें और देख करके उनकी मदद करें। आपको अब मदद नहीं चाहिए? हमें मदद नहीं चाहिए, हमारी मदद से जितना चाहिए हमें मिल गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक बुजुर्ग शख्स अपनी पत्नी के साथ ढाबा चलाता है जिसका नाम बाबा का ढाबा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनके ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आता था। एक यूट्यूबर उनकी छोटी सी दुकान पर पहुंचा तो वो पूरी कहानी सुनाते हुए रो पड़े। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और देश के कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आने लगे। इनमें नेता अभिनेता के कई बड़े नाम भी शामिल हैं। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद उनकी दुकान में खाना खाने के लिए लाइन लग गई। इतनी भीड़ को देख बुजुर्ग कपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ट्विटर पर हैशटैग बाबा का ढाबा टॉप ट्रेंड करने लगा। दिल्ली में लोग उनकी दुकान में लोग पहुंच रहे हैं और मदद कर रहे हैं। यूट्यूबर गौरव आसन ने इस बुजुर्ग जोड़े का वीडियो शेयर किया है। उनके चैनल स्वाद ऑफिशियल पर 6 अक्टूबर को यह वीडियो डाला गया था, जहाँ से यह तेज़ी से वायरल हो गया। ट्विटर पर इस वीडियो को वसुंधरा नाम की यूजर ने भी 7 अक्टूबर को शेयर किया था, वहां से ट्विटर पर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देख आप नेता सोमनाथ भारती 8 अक्टूबर को बाबा का ढाबा में पहुंचे और बुजुर्ग कपल की मुस्कुराहट वाली तस्वीरें शेयर की। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, बाबा का ढाबा पर पहुँचा और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद की। उनके अलावा आम लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं और बुजुर्ग कपल के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कईयों ने मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया है। ट्विटर फेसबुक पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमने बाबा के ढाबा पर शाम 4 बजे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। दरअसल बाबा का खाना आज जल्दी ख़त्म हो चुका था और बाबा की दुकान पर भीड़ ही काफ़ी थी, इसलिए वे आज जल्दी घर पहुंच चुके थे। हमने उनके घर पर जाकर विस्तार से बातें की है, सुनिए। बाबा आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता प्रसाद है जी। आपको अभी जो इन दिनों कैसे आप इतना फेमस हो गए, लोग जानने लग गए, लोग आपके पास आने लग गए, क्या आप कहते हैं उस पर? सब हमारे लिए गौरव साहब जो हैं, गौरव हमारे लिए वो भगवान बन के आए, उन्होंने हमारी मदद की है तब हम फेमस हुए। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। आज पूरा देश हमारे साथ है और हमें सभी मदद दिए हैं, मदद कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि अब हम छोड़ के किसी और की मदद करें, गरीब आदमी की, जो कि वो भी हमारी तरह उभरे। आपको एकाएक लोग पूछने लग गए और इसके पहले लोग नहीं पूछते थे, नहीं। तब आपको कैसा, आपका कैसा जीवन था और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जीवन हमें इस महसूस हो रहा है कि ये हिंदुस्तान जो हमारे साथ है, हैं नहीं, हम सोचते दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हैं उसमें क्यों हमें कोई जानता नहीं था, मगर अब जो है हमें पूरी दुनिया देख रही है। हाँ, ये आप मास्क या तो निकाल नीचे कर दीजिए। हाँ, तो अभी जैसे आप क्या क्या रखते थे, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका अपना पूरा बैकग्राउंड बताइए। हम रहने वाले डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के हैं। हमारा गांव जो है, ये गांव पिपरी पड़ेगा, हसरौलिया बूढ़नपुर पिपरी ये पड़ता है, हम वहाँ रहने वाले हैं और मध्यम वर्ग के हैं। और हमें जो है आज दिल्ली में आए, हम पहली बार 1964 में आए थे, उसके बाद हम दिल्ली में 1971 से। तो ये दुकान कब से है आपकी? दुकान हम 90 के हैं, वैसे हम अपना ये 1988 में काम करना शुरू किए थे सब्जी का। सब्जी में घाटा हुआ नहीं पड़ पाए, तब ये काम किए 1990 में 31 दिसंबर को। से आपने स्टार्ट किया, मतलब मैं तो 29 दिसंबर को पैदा ही हुआ था, 31 दिसंबर से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर शुरू में क्या बेचते थे और अभी क्या क्या बेचते हैं? हम शुरू में वही बेचते थे, रोटी सब्जी दाल परोठा, और आज वही बेचते हैं
कितना पढ़े हुए हैं आप? हम चौथी फेल हैं। चौथी फेल हैं। हाँ। और माता जी? नहीं पढ़ी नहीं है। नहीं। तो दोनों लोग साथ में तभी से काम करते हैं? हाँ, तभी से काम करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या आप जैसे बेचते थे तो दिन भर में कितनी कमाई हो जाती थी पहले? लॉकडाउन के पहले दिन भर में हम समझ लो कि 12-13 से दुकानदारी कर लेते थे, 500 भी जाता था, 1000 करते थे तो 400 भी जाता था। इस तरह करते थे तो महीने में समझ लो कि 7-8 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार कमा लेते थे, वो जाता था। और इस तरह हमारी गाड़ी चलती थी। जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में हमने किसी से हमें कोई मदद नहीं मिली, क्यों कि खाना बढ़ता भी था तो खाना ये लाइन जब लगती थी जाते जाते ख़त्म हो जाता था। कुछ लोग पाते तो कुछ नहीं पाते थे, ख़त्म हो जाता था। अच्छा, राशन पताई कोई अगर बांटने आता था तो राशन पताई उन्हीं को मिलता था जिनकी कुछ सपोर्ट होती थी। तो लॉकडाउन में आपको दिक्कत होने लग गई? लॉकडाउन में कितनी कमाई होने लग गई थी? लॉकडाउन तो 2 महीने तो बंद ही था बिल्कुल। तो 2 महीने हमने जो राशन जैसे कि आज इकट्ठा हुआ है, हम राशन इकट्ठा मंगवा लेते थे, हमने 2 महीने और राशन खाया। तेल जो है, चीनी पीनी जो भी था हमारे पास मौजूद था, हमने वो खाया। जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो हमने जब काम शुरू किया है तो हमारे पास ग्राहक आना मुमकिन थे, बंद थे। जैसे कि दिन भर में कुछ दिन तो 15-20 दिन तो दुकानदारी 500 हो जाती थी, 15-20 दिन में धीरे धीरे घटते घटते 250-300। जैसे क्यों कि लोग फिर चले गए, कोठी वाला कोई तो खाने आए ही नहीं, जो खाएगा तो मजदूरी खाने आएगा। तो जब मजदूर के पास काम नहीं रहेगा, पैसा तो मजदूर कहाँ से आएगा? ऑटो वाले भी थे, ऑटो वाले नहीं चलते थे। तो इससे आपका घर का खर्चा चल नहीं पा रहा था? नहीं चल पा रहा था। और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात जो हुई वो गौरव से हुई? गौरव से। तो वो आए तो आपको क्या उस दिन लगा था कि कुछ कोई उस दिन आपको कुछ एहसास हुआ था कि ऐसा आपके साथ होने वाला है कि लोग? मुझे इस बात का रोना आ गया कि आज कोई हमारे पास नहीं आया, ये बेचारे हमारे लिए आए हैं, हैं हमारी मदद के लिए, ये पहले शख्स हैं जो हमारे लिए आए हैं, इसलिए हमें रोना आ गया। अच्छा, तो उन्होंने कुछ आपको बताया था कि हम आपको मतलब कुछ सपोर्ट करने वाले हैं या ऐसा? नहीं, कुछ उन्होंने कहे बाबा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें पूरी जनता सपोर्ट करेगी, हैं तो हमारा वीडियो बना करके वायरल करें। अच्छा, परसों बनाए, कल भी आए थे, आज भी आए। आज तो ज़्यादा आए, कल तो थोड़ा आए, आज ज़्यादा आए। कल तो सिर्फ लोग टीवी देख रहे थे मोबाइल पे, कल तो मोबाइल देख रहे थे, तो जब पूरा जब ये हो गया, फेमस हो गया, तब जा करके लोग। कितने लोग आए कल से आज तक के बीच में? आज तो बहुत लोग आए, कल तो कोई नहीं आया था। लगभग कितने लोग आ गए होंगे आज यहाँ? तो लगभग मेरे ख्याल से जो खड़े थे जो 250 आदमी तो आए गए होंगे। हाँ, जो गए आए नेता वगैरह कोई आया? हाँ, नेता आए थे। कौन कौन आया था उसमें? ये शोभनाथ भारती भी आए थे, सौरभ भरद्वाज भी आए थे, और ये जीतू के मैडम कोचर भी आई थी, नीतू कोचर, और नंदनी शर्मा भी आई थी, एक और आए थे सर वो बीजेपी के, वो थे, वो आए थे। इसी तरह नेता। तो इन नेताओं ने आपको कोई सहायता दी? जो उनके पास बना हमें दिए, ऐसी बात नहीं है। अब एक बीजेपी के नेता आए थे, वो हमें पैसे दे गए थे, हैं तो जिनके पास जो था वो हमें दिए नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया? हाँ, वही सब। अच्छा, और जैसे कांग्रेस ने? कांग्रेस सपोर्ट किया, मगर कहने मतलब कि जो जैसे हाँ, मतलब जो जिसका जैसा बन पड़ा। हाँ, और उसमें कोई अभिनेत्री या अभिनेता कोई आया आपके पास जो एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन? वो नहीं कोई आया। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको पता है कि आपके और लेकर के जो है बड़े बड़े जो हीरोइन हैं जो टीवी पर आप देखते हैं, बॉलीवुड सितारे हैं, वो लोग आपकी मदद करने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम आपको डोनेट करेंगे, आप अगर उनको वो दीजिए, कोई नंबर दीजिए या कोई ऐसी चीज दीजिए, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे?
नंबर वाली बात वह ये है कि हमें तो मदद जनता बहुत दी है, अब हम ये चाहते हैं किसी और गरीब को लोग मदद करें। अच्छा, और आपको लगता है कि आप जो ये मदद मिला है इससे आपका हमारा गुजारा हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे बजाय किसी और की मदद करें जो कि वो बेचारा हमारे तरह उठे। आपको लगभग कितना पैसा या कोई कितना मिल गया, कुछ आपने कुछ जोड़ घटाना कुछ किया? अभी हमने जोड़ घटाना कुछ किया। और आप और किस रूप में लोग मदद कर रहे हैं, मतलब पैसा के अलावा? कुछ लोग राशन दे गए हैं, कुछ पैसे दे गए हैं, यही हो रहा है, कोई कपड़ा दे गया है। दुकान की टाइमिंग क्या है आपका, आपसे कोई मिलना चाहे तो? 6:30 से लेकर के सुबह, हम रात को इसमें 6 बजे तक रहते हैं। क्या क्या आप रखते हैं दुकान पे, अभी क्या क्या रखना चाहेंगे? देखिए, हम हमारी सब्जी तो रोज बदल जाती है, समझे ना, कभी चने की दाल, कभी अरहर की दाल, कभी चावल हमारा वही बनता है, दाल सब्जी हमारी बदल जाती है, कभी सोयाबीन की बड़ी हो गई, कभी मटर पनीर हो गया, कभी आलू बैंगन हुआ, कभी आलू टमाटर हुआ, इस तरह हमारी सब्जी बदल जाती है। माता जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, सारी बात हमें बहुत पसंद है, यही काम करते रहे। जैसे आपको जब ये लोग पूछने लग गए, लोग एकाएक आने लग गए, तो आपको कैसा एहसास हुआ उस टाइम पे, मतलब कैसा? कुछ नहीं एहसास भाई, हमें बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सब गौरव के उठा से हमें बहुत। जैसे ऐसा होता है ना कि रोना आ जाता है जब ऐसा, जब उठा आ जाता है ना तो रोना पड़ता। हमारे साथ पूरा देश है, अब तक हमें कोई जानता नहीं था, आज हमें पूरा देश सपोर्ट कर रही है, कहाँ बम्बई, कहाँ गुजरात, कहाँ आपका गोवा, अब हमें कहाँ कहाँ से लोग, कल कहाँ कलकत्ता, बेटे बेटी हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, हमसे खुद खर्चा ले रहे हैं, अब ये लड़की है इसकी माँ, अब बताओ ये हमारे पास है, तो कुछ तो अपना कोठी में अपना कर गुजारा कर लेती है। अच्छा, वो अपना गुजारा करते हैं आप लोगों से बल्कि लेते हैं? खर्चा हम सारा हम ही चलाते हैं। आप ही चलाते थे? अच्छा, अच्छा, मतलब वो इतना लायक नहीं हुए कि आप आपकी सहायता कर सकें? ना, इतना अब उनको जैसे कंपनी में काम करते थे, अब उनको 10,000 का 12,000-13,000 जो भी मिलता होगा वो अपने जाने क्या करते क्या नहीं करते हैं। हाँ? तो बेटे लोग हाँ, हमसे तो, कोई तो आपसे अलग हो रहते हैं? नहीं, यही रहते हैं, रहते ही हैं। हाँ? तो आपसे मतलब मेल जोल व्यवहार सब कुछ है भाई? हाँ? खाना हमसे खाते हैं, सब कुछ आपके साथ है, लेकिन हाँ? खाना वो मतलब पैसा नहीं शेयर करते? नहीं, पैसे से कोई शेयर तो करते। अभी जैसे अब जैसे आपको लोग पूछने लग गए, तो अभी इन लोगों का कैसा व्यवहार है? अब आप व्यवहार वाली बात यह है कि लड़का जिसके काम धाम नहीं तो दुकान बताओ, ये लड़का बड़ा वाला जो है दुकान बता, छोटा वाला जो अपनी ड्यूटी पर है कहीं गया है, उसका तो ये इधर क्या क्या करते हैं वो लोग? वो जो छोटा वाला है वो ऑनलाइन जो है सप्लाई करते हैं, जैसे कि चप्पल हुए, जूता हुए, कपड़े हुए, जो कंपनी भेजती है वहाँ लेकर पहुँचाता वो। अच्छा, और ये दूसरा काम करते हैं? हाँ। अच्छा, जैसे हाँ। मैंने बात किया तो एक चीज निकल के आई कि सामने की जो है आप मतलब उनको इसलिए आपसे कटते हैं कि आप जो है थोड़ा सा कई कई बार ड्रिंक व्रिंक कर लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? है? नहीं, ऐसे कोई इसमें आपके सामने ड्रिंक कर रखा हूँ? नहीं नहीं, अभी नहीं, जैसे हाँ। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पे आप क्या कहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब देखो, जैसे पीना कोई बुरा नहीं है, जैसे हम घर में अपना यहाँ पर है, हमने पी लिया है तो अपना घर में पी लिया हमें, और रोज हमारा हिसाब नहीं है, कभी कभार हमने पी लिया। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, भाई थकावट है पी लिया। हाँ, हाँ, काम करने के बाद हाँ, जाती है थोड़ी। और अब ये कहो कि हम तुम्हारे बस में रहें, जो तुम कहो हम करें, हम तो कर नहीं सकते, क्यों, हमने तुम्हें पैदा कर, परिवार में मेल जोल है पूरा। हाँ। और अभी कोई ऐसा, अभी जैसे अभी सब लोग पूछने लगे तो आपके बेटों का कोई फोन होना आया या आपके साथ जो है फिर और मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, और हमारे पास कोई लड़के हमारे दो हैं, दोनों हमारे साथ ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं। हाँ। दारू पी के फैलना बुरा है, उतना पियो, अपने घर में रहो, अपने बच्चे के साथ रहो, कोई दिक्कत ना। हाँ, मतलब व्यवहार ठीक रहे, बस कोई दिक्कत, और कटने वाली क्या बात है, दारू कौन पीता, 100 में से 99 दारू पी रहे हैं। ये तो है?
अभी आप निकलो बाहर, अभी देखो बाहर। नहीं वो तो मुझे पता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और क्या कहते हैं आप, क्या बदलाव लाएंगे आप, जैसे उसमें खाने पीने में या और दुकान में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, कोई नया कुछ सोचा है? बदलाव क्या सोचे, क्या सोचते हैं बदलाव? देखो कि अगर हमें हमारे पास ग्राहक आते तो पैसे मिल रहा है, है तो हमें इसी में अपना गुजारा करना चाहिए। अच्छा अगर कोई घिस रोटी खा रहा है, हम सूखी खा रहे हैं, तो उसको देख को हमें नहीं चाहिए कि हम भी घी खाएं। क्यों? अगर घी खाएंगे तो हमारे पास पैसे कहाँ आएगा? कमाई हमारी हुई है 1 रुपये की, हमने खर्च किया 4 रुपये, तो 3 रुपये से हमें कर्जा लेना पड़ेगा। अच्छा लॉकडाउन में आपने और देखा होगा बहुत सारे लोग, लोगों का रोजगार छिन गया और बहुत सारी चीजें हो गई, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अभी कैसे कैसे वो लोग पटरी पर आएंगे? पटरी पर उनके लिए हम क्या बताएं भाई, जैसे हमारी मदद हुई उनकी मदद करो, कहीं पटरी पर आएंगे। और कुछ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहें, हम तो उनके लिए ही कहेंगे भाई जो वीडियो देखें और देख करके उनकी मदद करें। आपको अब मदद नहीं चाहिए? हमें मदद नहीं चाहिए, हमारी मदद से जितना चाहिए हमें मिल गया है, हम इसमें खुश हैं जी। माता जी आप क्या कहिएगा? हमारे वही जो इनकी खुशी है वही में हमारी खुशी है जी। अब मतलब कि अब आपको मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं कि मतलब कि और लोगों की भी मदद होनी चाहिए? हाँ, बस और लोगों की मदद हो, सब कुछ करो भाई, हमारी है नहीं है, सब की करो खाना उतने से। आप आपकी उम्र क्या है? 80। और आपकी उम्र क्या है? हमारी इनसे 81 साल बढ़ के है, 82-83 नहीं, 80 से, ये 80 से कम है, हम 80 करीब हैं। अच्छा 80 के आसपास हैं, क्यों? हमारा 1940 में जन्म हुआ था, हमारे पिता एक्सपायर हुए हैं ये पिछले साल, 1.5 साल हो गया 12 अगस्त को। अच्छा वो 106 साल की उम्र है, 106 साल पे, काफ़ी लंबा है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस किया था। अच्छा तो अब ये लोग बाकी बच्चे उच्चे सब पढ़ रहे हैं अभी आपके? देखो ये नकली हमारी पढ़ रही है और लड़के नहीं पढ़ रहे, बस यही पढ़ रही है, अब इसी खर्चा उठाना है। अब आपको मतलब इतना हो गया है कि अब बच्चों को और बढ़िया से पढ़ा उड़ा सकेंगे? हाँ जी हाँ, ठीक ठीक, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।